चलिए आज हम देखते हैं नाइन्थ का फर्स्ट लेसन मैटर और सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज ए मैटर एंड सम अदर डिफिनेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन भी आपने देखा था। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स, यानी कि जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर मिलकर बना होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करेंगे। तो मोस्टली फोर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पार्टिकल्स का होता है। जब पहला आप पढ़ेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, सेकंड आप पढ़ेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, अगला पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और लास्ट में पढ़ेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इन फोर कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले वन बाय वन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले 100 मिलीलीटर वाटर को एक बीकर में क्या करना होगा, तो ठीक है, हम एक बीकर में क्या करेंगे 100 मिलीलीटर वाटर को मान लीजिए कि आपने क्या किया ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 2R3 जो क्रिस्टल है, ठीक है, किसके KMn4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेटिक 2R3 क्रिस्टल को हम इसके अंदर क्या कर देंगे डिजॉल्व कर देंगे। तो जो इसका कलर होगा ये काफी डीप हो जाएगा, वो भी किस कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है, यानी जो कलर होगा उसका काफी डीप पर्पल कलर होगा। अब क्या करेंगे हम एक दूसरा बीकर लेंगे और इसमें हम 90 मिलीलीटर वाटर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कितना वाटर लिया 90 मिलीलीटर वाटर लिया। अब हम क्या करेंगे यहां से हम इसमें 10 मिलीलीटर वाटर को डिजोल्व कर देंगे, यानी फर्स्ट बीकर से ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये डाल देंगे इसमें सेकेंड में। अब देखेंगे कि यहाँ पे जिस जो कलर था काफी डीप पर्पल कलर था, यहां से यही तरफ क्या हो जाएगा काफी लाइट हो जाएगा, यानी कि लाइट पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक और हम मीटर लेंगे, इसमें फिर हम कितना लेंगे वाटर 90 मिलीलीटर, इसमें वाटर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि यहां से 10 मिलीलीटर हम क्या लेंगे यहां का वो सोल्यूशन लेंगे, मतलब ये यहां का सोल्यूशन लेंगे और इसमें डालेंगे, तो इसका जो कलर होगा अब इससे भी क्या जाएगा लाइट हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम एक बार इस प्रोसेस को और करें या दो बार, ठीक है, तो जो अगर हम इस प्रोसेस को 3R2 times डिवाइस करें तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा सोर्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वेरी लाइट हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही लाइट क्या होगा, ये हमारा कौन सा कलर मिल जाएगा पिंक कलर मिल जाएगा, बहुत मतलब बिल्कुल लाइट पिंक कलर इसका मिल जाएगा, ठीक है। इससे पता क्या चलता, आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम क्या किए 2R3 क्रिस्टल में पोटेशियम पर मैग्नेट का और हमने 100 मिली वाटर में क्या किया डिजॉल्व किया। पहली चीज देखिए कि अगर पोटेशियम पर मैग्नेट अगर स्मॉल पार्टिकल से नहीं बना होता तो डिजॉल्व नहीं होता, पहली चीज। दूसरी, ये पोटेशियम पर मैग्नेट के जो छोटे छोटे क्रिस्टल थे ये छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स में क्या हो गए टूट गए ब्रेक्स कर गए और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसके बीच में आ गए, क्योंकि अब यहाँ पे 100 मिलीलीटर ही वाटर है और यहाँ पर डाला है तो यहाँ पे जो पोटेशियम पर मैग्नेट है यहाँ पे इनके पार्टिकल की संख्या क्या ज्यादा थी जिसकी वजह से क्या हुआ डीप कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने 90 मिलीलीटर वाटर लिया और यहां से जो डीप पर्पल कलर था इसके सोल्यूशन से हमने 10 मिलीलीटर लिया तो इसमें डाला। अब क्या हो गया ये काफी इसकी अपेक्षा ये काफी लाइटर था, ठीक है ना, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो 10 मिलीलीटर में जो कलर आता है उसके पार्टिकल्स जो थे वो और भी स्मॉल हो गए, ठीक है। और इस प्रोसेस को नेक्स्ट किया यहां और स्मॉल हो जाएंगे पार्टिकल्स और उसके बाद से लास्ट में जो हमने किया तो यहां ये देखिए कि जो ये हमारा जो बिल्कुल डीप पर्पल कलर था ये बिल्कुल क्या वेरी लाइट पिंक कलर में आ गया। इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, सॉरी, जो हमारे कोई भी मैटर्स है इस मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं
बिल्कुल ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम आगे चल के नाम देंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो याद रखिएगा कि जो ईच पोटेशियम क्रिस्टल जो है उनका, और हम ये कह सकते हैं कि ये स्वयं में क्या हो गया है, ये मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमें शो कैसे हुआ, पता कैसे चला, यहाँ इसको वाटर में डिजॉल्व करने से, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा जो मैटर है, ठीक है, कोई भी जो मैटर है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं बना होता तो ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी।